Dr. Mithun Ladiwala. I am back again with my next video on a topic compared to Materia Medica between vanilla, carcinosin and coculus. Okay, so आज हम वेनिला पढ़ेंगे. वेनिला कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करती है, बच्चा कैसा बिहेव करता है, क्या अलग है वेनिला में कार्सिनोसिन और कोकुलस को लेकर. ओके, सो वेनिला बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड, चीयरफुल, वाइवेशियस रेमेडी होती है. जस्ट लाइक कैनाबिस, लैकेसिस, बेलेडोना, ठीक है, ये उसका प्रेजेंटेशन है. हाउ कम्युनिकेटिव होती है, कंपनी डिजायर फॉर्म में होती है ना, पर अलग कैसे है कार्सिनोसिन और कोकुलस से वो भी देखेंगे. बहुत ही क्लोज है, कहीं कुछ शेड इसके कार्सिनोसिन से क्लोज है, कुछ शेड इसके कोकुलस से क्लोज है, ठीक है. तो केसेस द्वारा देखेंगे हम. मैं आपको दो तीन जितने भी केसेस मेरे को दिमाग में आते हैं मैं आपको सब बताऊंगा. ओसो अगर आपको कोई भी क्वेरीज रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है. अगर मेरे इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भैया ये पॉइंट में आप बताइए. ओके, सो वेनिला का एक केस डिस्कस करता हूं. तो केस स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये फैसेट जो है वेनिला का है जिसमें हम बहुत कम, मतलब इस पे हमारा ध्यान जाता है कि ये हमें देना चाहिए, हम इसके जगह हम क्या दवाई दे देते हैं. ओके, सो एक केस आया मेरे पास वेनिला. एक लेडी आई ऑलमोस्ट 40 प्लस. ओके, तो कोविड में उसके फादर की डेथ हो गई, तो काफी डिप्रेशन में थी, रोने लगी बहुत. एक्चुअली वेनिला बहुत कम्युनिकेटिव होती है, सब बता देती है अपने दिल की बात, ठीक है, ये फर्क होता है, ठीक है, और इजीली बता देती है. इस कम्युनिकेटिव में है, कंपनी डिजायर फॉर्म है, कन्वर्सेशन डिजायर फॉर्म है ना, तो उसको बताना होता है. नेकेड वॉन्ट्स टू बी है, तुरंत सब बता देंगे. ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ में भी है, नेव में भी है, मतलब ये जो लोग होते हैं ये एकदम दिल के साफ होते हैं. ओके, सब क्लीन आराम से बोल देते हैं, रखते नहीं है, रिजर्व्ड में भी है, पर कोई एक स्टेट में जाती है जब वो डिसअपॉइंटमेंट में जाती है, या वेनिला डिसअपॉइंटमेंट में भी जाती है, डेथ ऑफ लॉर्ड वंस में भी जाती है, तब ये थोड़ा सा रिजर्व्ड होती है, नहीं तो डॉक्टर के पास ये एक्सप्रेस ही होते हैं. हमारे पास कैसा है, पेशेंट कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है. पेशेंट हमको सब बोल देता है, नेकेड वॉन्ट्स टू बी में, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ऐसी बात भी बोल देगा वो जो उसे रखना चाहिए, ठीक है, इसलिए ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, क्योंकि नेव भी होता है. तो वो आई और बहुत एंजाइटी में थी, बहुत एंजाइटी में थी, ठीक है, तो मेरे सामने रोने लग गई एकदम से. और मैं नॉन रिलेटिव, रिलेटिव के रिलेटिव थी, नॉन पर्सन थी, इसलिए उसने एक्सप्रेस किया सब. तो मैंने बोला क्या दिक्कत है, फादर को डेथ हुए तो 4 महीने हो गए ना, ठीक है ना, 6 महीने हो गए, 4-6 महीने हो चुके थे, तो क्यों. मेरे सर बोले अभी भी रोना आता है, बहुत रोना है, बहुत याद आती है. बोले आप कैसे थे, तो उसकी बेटी ने बताई, ये सर बोले ये इतना केयर करती थी, बोले पिताजी का इतना, और पिताजी को कुछ भी थोड़ा सा छोटा सा चीज भी हो गया तो ये बहुत टेंशन में आ जाती थी, है ना, और इसके कारण ये बीमार कितनी बार पड़ जाती थी जब फादर अच्छे थे, फादर भी ओल्ड एज के थे, तो डेथ होने के बाद तो ना ये वो फेस से ही बाहर नहीं आ रही है. ओके, तो क्या क्या लेंगे सर, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस और ऑफ अ पेरेंट और अ फ्रेंड, ऐसा एक रूबरी है, ठीक है, और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब पेरेंट भी चाइल्ड हो जाता है कई बार, जो डिपेंडेंट होता है, हाँ पेरेंट्स हमारे डिपेंडेंट हो जाते तो वो चाइल्ड बन जाते, तो हम चाइल्ड वाला रूबरी भी ले सकते, ठीक है. तो ये बोले क्या याद आता है तुमको, क्या याद आता है, तो उसने बोला सर बोले फादर के साथ जो अच्छे पल मैंने बिताए हैं वो मुझे बहुत याद आते हैं और मैं वही याद करती रहती हूँ. तो मैंने एक रूबरिक लिया, ड्वेल्स ऑन पास्ट हैप्पी मोमेंट्स. ओके, ये एक रूबरिक है, इसे याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा. तो जब हम ऐसे फेजेस में हम ना नेट्रमोर इग्निशिया ही देते हैं, बाकी रेमेडीज क्या बोलते हैं हमारे दिमाग से निकल जाती है, हमारे ध्यान में भी नहीं आती, ठीक है. तो इसमें आप वेनिला दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे,
जब बंदा या जो भी पेशेंट है बहुत ही केयर्स एंड वरीज में, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वंस, और उसकी वजह से बीमार हो जाता है, ठीक है, इसमें कोक्यूलस भी है। तो कोक्यूलस से कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? कोक्यूलस ना इनसिक्योर नहीं होता है, ठीक है, वो दिल से मतलब दिल से दूसरों को केयर देता है, ठीक है। एक्चुअल में जो नर्स बोलते हैं ना, नर्सिंग अदर्स, वो कोक्यूलस है। वेनिला जो है आउट ऑफ सेल्फ इनसिक्योरिटी केयर में जाता है ना, ये फर्क है दोनों में, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। और तो ये केस को मैंने वेनिला दिया, वो एब्सोल्युटली फाइन हो गया, ठीक है, उसका अगली बार उसका रोना बंद हो गया, और अब बाद में वो सेटल हो गई ऑलमोस्ट, बीमार होना भी कम हो गया, जो कि कई दिनों से उसके फादर, 6 महीने से वो कंटिन्यू बीमार बीमार बीमार, उसको सपने में भी दिखते थे फादर, ऐसा तो वो सेटल हो गया। अब एक और केस मैं बताता हूँ वेनिला का, ठीक है, तो आपको मैं इस बार केसेस के साथ ही रूबरीज बताऊंगा। ये मेरा केस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कई जगह, ये एक बच्चे का केस है, छोटे बच्चे का, और ये आउट ऑफ इंडिया से मुझे रेफर हुआ था। तो इसमें ये बच्चा था 3 साल का ऑलमोस्ट, ठीक है, बेबी थी, ठीक है। तो इसको था एक सीवियर डिजीज, इपिडर्मोलाइसिस बुलोजा, ओके, जिसके अंदर स्किन स्किन डेवलप ही नहीं होती, और बच्चों को इपिडर्मो, इपिडर्मो इज स्किन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और बुलोजा मीन्स एक वो जो जलने के बाद जो फफोले आते हैं ना, उसको बुलोजा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे को छोटी 3 साल के बच्चे को सोचिए आप, कंटिन्यू उसको बबल्स आते थे, जिसको उनको प्रिक करके फोड़ना पड़ता था, खून निकलता था, वो बच्चे की पूरी बॉडी बैंडेज थी, ठीक है। तो जब मैं उसको देखने के लिए गया तो फुल बैंडेज में वो कंटिन्यू ऐसा ऐसा झूल रही, खेल रही, डांस कर रही, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू इतने बैंडेज में भी, और वो सिर्फ अपने फादर को ही हाथ लगाने देती थी और मदर को ही हाथ लगाने देती थी, अपने आप को 3 साल तक उसने किसी को अपने आपको टच भी नहीं करने दी, इतना वो डरती थी, ठीक है। और अब ये जो बच्चे होते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें मदर की हिस्ट्री लेना पड़ता है। मदर की हिस्ट्री में क्या मिला ना, वो अकेले रहती थी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो, और फादर ना हमेशा जॉब पे बाहर रहते थे, तो इसको हमेशा इनसिक्योर लगता था कि मैं अकेली हूँ, और प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, सबको एक प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो इसको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं रहता था, ना इन लॉज रहते थे ना हस्बैंड रहता था, तो हम बहुत इनसिक्योर रही, बहुत इनसिक्योर, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगी मैं, मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मैं गिर गई तो क्या होगा, मैं बीमार हो गई तो क्या होगा, ऐसा इनसिक्योरिटी उसके माइंड में कंटिन्यू थी। हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो क्या हो जाएगा, वो वापस ही नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा, ये थ्रू आउट 9 मंथ्स इसको इनसिक्योरिटी थी। तो हमें स्किन का साइकोडायनामिक्स मालूम है, स्किन, व्हाट इज स्किन, स्किन इज प्रोटेक्शन, ठीक है, तो उसने अनप्रोटेक्टेड फील किया अपने आप, ठीक है, तो इसका कारण आप देखो बच्चा जो हुआ विदाउट स्किन हुआ। तो मैंने इसके रूब्रिक्स लिए थे, ये केस के रूब्रिक लिए थे मैंने, चीयरफुल डांसिंग लाफिंग सिंगिंग कंटिन्यू, ठीक है, बोलते जा रही, बड़बड़ करते जा रही और हिलते जा रही कंटिन्यू, इतना इंजुरी है पूरी बॉडी में, फिर भी ठीक है वो ऐसा एंजॉय करती थी, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, फियर इंजुरी बिंग इंजोर्ड, फियर हर्ट ऑफ बिंग, ठीक है, ये दोनों लिया मैंने, और ये 3, और मदर की हिस्ट्री में लिया मैंने इनसिक्योरिटी फीलिंग, ठीक है, ऑल टाइम, और फियर दैट हस्बैंड विल नेवर रिटर्न, नॉट रिटर्न, ऐसा एक रूबरी है, मतलब जिसमें उसको फीलिंग होता है कि वापस नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, नहीं आया तो वापस, क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहता था, उसको एक फीलिंग इनसिक्योर डेवलप हुई। तो ये सारे रूबरिक्स को क्लब किया और इसको वेनिला दिया ये बच्चे को कंटिन्यू, तो वो ऑलमोस्ट आज बहुत बेटर है, ठीक है, तो ये वेनिला बच्चा हो गया, ठीक है। सो वेनिला ना कैसा होता है आज हम देखेंगे, ठीक है, ये हमने देखा। तो क्या हुआ ना, फर्स्ट केस में क्या हुआ, वो फादर के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई, और जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसने पूरे अपने लाइफ में फादर के साथ कैसे जियो वो याद करती थी पुराना, ठीक है, मेरे फादर ने कैसे बड़ा किया, इतना प्यार करती थी,
वेनिला में बहुत प्यार होता है, ठीक है, लव एग्जॉल्टेड फीलिंग है वेनिला, बहुत प्यार देती है, लव एग्जॉल्टेड फीलिंग, फीलिंग ऑफ लव कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम हर, ऐसा एक ग्रुप है, ठीक है, कम्युनिकेटिव होता है, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं वेनिला, और ये दिल के नेक होते हैं, साफ होते हैं, इसलिए नेचर से बहुत क्लोज है इन लोग, ठीक है, इसलिए प्लांट्स लव, नेचर लव में है, जॉय इन नेचर, ऐसा जरूरी है, जेनरस होते हैं बहुत, बेनेवलेंस में, ग्रेटिट्यूड में, मतलब ये सब जो ये सब स्वभाव है, मतलब देना, नेचर का क्या काम है, देना, इसलिए केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, ऐसा याद रखेंगे हम, ठीक है, नेचर से क्लोज है, जैसे ट्रिटिकम वल्गरिस भी नेचर से क्लोज है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग है, उसका ऐसा शेड है इसमें, नेचर से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स, ठीक है, हमेशा ऐसे बात करना, थैंक यू बोलना हर छोटी चीज के लिए, हर छोटे काम के लिए, बार 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 थैंक यू बोलना, इस ग्रेटिट्यूड रूबरिक में, जेनरस टू, बिना दिल में कुछ इच्छा रखे दूसरों की हेल्प करना, इस जेनरस टू, है ना, शांति चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है, हार्मोनी डिजायर में, है ना, पर वेनिला ना बहुत ही एंजाइटी वाला बंदा होता है। एक और केस बताता हूँ मैं, एक लेडी थी 45 प्लस, अगेन बहुत सीवियर माइग्रेन था उसको, तो उसका मैंने रीजन पूछा कि क्या तेरे को चिंता क्या है, चिंता क्या है, तो उसका बेटा ना रात को रोज 12 बजे 1 बजे घर पे आता था, तो जब तक के घर पे नहीं आता था ना ये बैठी रहती थी, सोती नहीं थी, एक एक डेढ़ डेढ़ बजे था, ठीक है, उसको बहुत हेल्पलेस फील होता था इतना, और बहुत चिंता होती थी अपने बच्चे की, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में, ठीक है, और बहुत ज्यादा चिंता होती थी, मैं उसको बोलता था अरे यार छोड़ो, वो बहुत बड़ा हो गया है अभी, अरे 20 साल 22 साल का लड़का है, उसको जिंदगी छोड़ो, ठीक हो जाएगा वो, उसको जब समझेगा तब वापस आएगा, लेकिन इसकी चिंता जाती नहीं थी, और वो चिंता में इसको सीवियर हेडेक होता था, वो बैठी रहती थी या उसको पकड़ के लेके आती थी, वो चाहती थी कि वेनिला का क्या इशू है ना, वेनिला जो है वो उसको ऐसा लगता है जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं करूं, मेरी इच्छा के हिसाब से सब चले, ये उसका इशू, इसलिए उसमें रूब्रिक है मैं आपको बताऊंगा, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म, ठीक है, कोक्यूलस में भी है पर कार्सिनोसिन में नहीं है, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म, एंगर इफ थिंग्स डज नॉट गो आफ्टर हिज विल, ठीक है, ये भी है, और एंगर व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर रिफ्यूज्ड, ठीक है, उसकी इच्छा के को अगर किसी ने रिफ्यूज कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो ये सब इशू के कारण ना वो एंग्री हो जाती थी बच्चे पे, पर निकाल नहीं सकती थी, है ना, या निकाल भी देती थी कई बार, तो इतना बड़ा बच्चा हो गया, ठीक है, वो समझदार हो जाएगा, तो 20 साल के बच्चे को समझाना नहीं पड़ता, और उसके कारण ये बीमार होती थी, इसलिए लेता था मैं एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वंस, उसको बहुत चाहती भी थी क्योंकि अकेला लड़का था, है ना, तो इसको भी जब मैंने वेनिला दिया तो ये बहुत बेटर हो गई, और बाद में उसने वो चिंता छोड़ दी अपने बच्चे की, ठीक है, ये केस हो गया। तो वेनिला कैसा होते ना, बहुत केयर करने वाले होते, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, अपने परिवार के लोगों की बहुत केयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब जगह हारमोनी बनी रहे, हारमोनी रहे, है ना, और क्वारलिंग अवर्जन टू में प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, अगेन सेम लाइक कार्सिनोसिन, इसलिए हमें कार्सिनोसिन से भी ये डिफ्रेंशिएट करना होता है, कार्सिनोसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, आउट ऑफ डोमिनेशन, है ना, और वो एम्बिशियस होती है काफी कार्सिनोसिन, पर वेनिला जो है सिर्फ ओनली ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, कार्सिनोसिन जो है इज अनटाइडी रेमेडी, अनटाइडी एक्सेप्ट ही हैज टू परफॉर्म, मतलब जब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है तभी वो साफ सुथरी रहती है, नहीं तो कार्सिनोसिन भी डल्टी में है, ठीक है, बाकी वेनिला ऐसी नहीं है, वेनिला जो है वेनिला फास्टिडियस है, ऑर्डर डिजायर फॉर्म है, डिसऑर्डर सेंसिटिव है, उसके हिसाब से सब होना चाहिए, वो ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो गुस्सा होती है और बीमार भी हो जाती है इसके कारण,
ठीक है, उसको उसके ऑर्डर के हिसाब से चाहिए। बहुत ही ओवर एक्टिव होती है वेनिला, ठीक है, बहुत ही मेंटल पावर इंक्रीज में, ठीक है, बहुत ओवर एक्टिव होती है। समय से ज्यादा काम करने वाले लोग 8 घंटे काम करते हैं, ये 12 घंटे 15 घंटे काम कर सकती है, इतना इसके अंदर जीलियस बना है, ठीक है, काम को लेके। एंड एंजाइटी फॉर लव्ड पर्सन्स, ठीक है, उनके लिए भी बहुत एंजाइटी करती है, ठीक है, सेंटिमेंटल है, सिंपैथेटिक है, ठीक है, ये ऐसी होती है। अब कोक्यूलस कहती है, इसमें भी केयर दिख रहा है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड लवर वरीज ओवर लव्ड वंस में दोनों है, कोक्यूलस एंड कार्सिनोसिस, बट कोक्यूलस कैसे अलग है, ठीक है, कोक्यूलस में इनसिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कोक्यूलस करती जाती करती जाती करती जाती, ठीक है। जैसे कि मैंने वेनिला का केस बताया, एक और वेनिला का केस बताता हूँ मैं आपको। एक लड़की है जिसके से जो अपने माँ बाप को 10 या 15 साल बाद हुई, ठीक है, तो जब अब ये 30s की हो गई तो उसके पेरेंट्स की एज ना 60s में है, ठीक है, जैसे सपोज उनके पेरेंट्स ने 25+ में शादी किए होंगे तो उनको ये हुई जब पेरेंट्स की एज 40+ थी, ठीक है, तो अब ये आप समझ लो पेरेंट्स की एज कितनी ज्यादा है। तो अब ये बच्ची को ये फीलिंग आ गई है कोरोना के कारण ना, वो अपने पेरेंट्स को ना कहीं पे भी बाहर नहीं जाने देती, उसके पेरेंट ने छीका, फादर ने छीका भी तो वो बिल्कुल सैनिटाइजर लगा हुआ करती। मुझे कहीं लगा है, मुझे ये फीलिंग आया है तो कॉशियस एंशियस है या बहुत ही ओवर वो कर रही है, ठीक है, पर मुझे ये समझ में आया बाद में पूछने के बाद कि बहुत ही इनसिक्योर है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए और मैं अनाथ ना हो जाऊं, समझे, तो इसीलिए ये अपने पेरेंट्स का बहुत केयर करती है ताकि मैं उसको ऐसा लगता है कि अब इनकी एज बहुत ज्यादा है तो ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, मैं अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि वो अकेली है, उसको कोई भाई बहन नहीं है, तो वो कंटिन्यू अपने फादर को ना बिल्कुल पूरे कोविड पे ना घर के अंदर रखी, जाने नहीं दी बाहर, उन्होंने छीके तो उन पर दवाई देना, ये कहिए तो दवाई देना, कुछ भी करने नहीं देती, सेम मदर को भी बहुत इनसिक्योर, तो ये फीलिंग है, ये वाय है केयर का, कोक्यूलस का और वेनिला का। कोक्यूलस जो केयर करता है उसके पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, वो इनसिक्योर नहीं होता है, वो सामने वाले को उतना चाहता है और वो करना चाहता है दूसरों के लिए। लेकिन वेनिला जो करता है अपने बच्चे के लिए भी इनसिक्योर रहेगा, उसको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंजाइटी वाइल्ड ड्राइविंग फास्ट, ऐसा है, मतलब उसको बहुत चिंता होती है, कोक्यूलस को ही नहीं होता है, इसलिए कोक्यूलस एंजाइटी चिल्ड्रन अमोडीज में नहीं है, है ना, लव्ड वंस में और वेनिला दोनों में है। ये फीलिंग है, इनसिक्योरिटी इज अ मेन फैक्टर ऑफ वेनिला, इनसिक्योरिटी मेंटल, इसलिए फियर दैट हस्बैंड विल नेवर रिटर्न। यहाँ हस्बैंड मतलब कौन होता है, जो उसको प्यार भी देता है और जो रिस्पॉन्सिबल भी है उसकी लाइफ के लिए, जो उसको देखेगा, ठीक है, उसका सपोर्ट लव सब है, ठीक है, तो सेम फादर भी यहाँ, फादर भी वही हुए, अगर फादर को कुछ हो गया तो उसका लव सपोर्ट चले जाएगा, इसलिए ये बच्ची के केस में भी जो 30 एज वाली जो बच्ची थी जिसको अपने पेरेंट्स के लिए इनसिक्योरिटी थी, वहां पे भी ये रूबरिक अप्लाई हो सकता है, समझ गए। वही साथ में अगर कोक्यूलस देखा जाए तो कोक्यूलस जो है ना दूसरों का क्यों करती है, क्योंकि वो मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जेजरेटेड है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक कोक्यूलस का केस था ऐसा ही, बहुत सीवियर जॉइंट पेन थे उसको, ठीक है, पर फिर भी दिन भर काम करती रहती, हाँ, तो उसकी बेटी कंप्लेंट करती है, सर बोले मैंने इसको डांटी, बोले क्यों, सर ने बोले मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कोक्यूलस की बात कर रहा है, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, ठीक है, इसको अपने दूध पीने के पैसे नहीं है, बोले इसको जॉइंट पेन है, खुद दूध नहीं पियेंगी, ठीक है, मेरे जो ट्यूशन के बच्चे थे ना उनको खाना पीना खिलाते, तो मेरे जो ट्यूशन का टाइम है, बोले दो डेढ़ एक डेढ़ घंटे का टाइम है, उसमें आधा घंटा बच्चे आधा पौन घंटा खाने में चले जाता, बोले धीरे धीरे खाते, उनको खाना खिलाती, बोले ये कोक्यूलस होती है, इतना उसको दया होती है, ठीक है, सबके लिए। तो उससे क्या होता था ना, बच्चे उसकी लड़की का ट्यूशन पढ़ाने का टाइम, वो ट्यूशन टीचर थी उसकी बेटी, ट्यूशन पढ़ाने का जो टाइम है आधा टाइम खाने में चले जाता, तो ये चिड़चिड़ करती थी मम्मी पे, बोले इसको कौन समझाएगा, बोले
कि उनको मुझे पढ़ाने के लिए बुलाई, बोले ठीक है, और ये आधा टाइम उनको खाना खिलाती बोले। और वो दूध एक्चुअली ये टॉपिक कैसा निकला ना, मैंने उसको कहा कि आपके जॉइंट पेन होते हैं, आप तोड़ लेंगे तो आपने कैल्शियम लेना चाहिए, अगर गोली नहीं सकते तो आप मिल्क लेना चाहिए। तो ये है टॉपिक पे उसके मदर ने बेटी ने बताया कि ये ऐसा करती है, दूसरों का इतना करती है, ठीक है, ये मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जर्टेड, ये वेनिला में नहीं है, ठीक है, वेनिला रिलेटिव तक के ही सीमित है और अपने लव्ड वंस तक के, ये बाहर अदर्स में जाती है, कोकुलस केयर वोला अदर्स, ठीक है, कार्सिनोजिन भी अदर्स में करती है, लेकिन कार्सिनोजिन का वाय एकदम अलग है, अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, ठीक है, ये इशू है उसका लाइफ में, है ना। वही वेनिला में भी सेम वैसा ही है, अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, बट कोकुलस में ऐसा नहीं है, है ना। ये दोनों को अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं लगता है, वेनिला को और कार्सिनोजिन को, इसलिए वेनिला सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म में, उसको किसी ने कुछ बोला तो वो बहुत वो हो जाती है ना। तो वेनिला हमने क्या देखा, रिवाइज करेंगे, वेनिला जो है एक एंग्री रेमेडी भी है बहुत, उसके अगर हिसाब से नहीं हुआ तो गुस्सा करती है और बहुत नेव केयरिंग नेचर से क्लोज है ना, और बहुत कम्युनिकेटिव है, एक्सप्रेस कर देती है, नेकेड वांट्स टू बी ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ में। इसका इशू कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ से होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड रिजोल्व वंस ऑफ डेथ ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड, ये सब इसके इशूज है, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नई नई रेमेडीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो कि दो दिन बाद ही है, सॉरी नेक्स्ट डे ही है, तो नेक्स्ट ईयर से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, साथ में ये भी कंटिन्यू रहेगा मटेरिया मेडिका के साथ, और रूब्रिक्स एड ऑन होंगे, ओके, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रूब्रिक्स, जहां आप लोगों को रूब्रिक्स में, सिमिलर रूब्रिक्स में पिक करने में आपको प्रॉब्लम होती है, ओके। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे और पढ़ाने की इच्छा होती है, तो मैं और आपसे मेरा नॉलेज जो भी मैंने सीखा है HHF से मैं सब आपसे शेयर करूँगा, मेरे गुरु लोगों से, मेरे मेंटर्स से, ठीक है। सो बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, थैंक यू।